Good afternoon, students. Let us start our EVS first chapter, family and relation. Family, जिमें आप इंग्लिश पढ़िया सी, family means परिवार, हूँ आ गया relation means की संबंध हैं, किमें की थोड़े लगते हैं, किमें थोड़े उन्हां नाल relation हैं. Lesson start करन लगी हैं. Dear children, no one likes to लीव अलोन. कोई भी कल्ला रहना नहीं पसंद करता, क्योंकि आप सारे फैमिली रहते हैं. दादा दादी मम्मी पापा सारे इकट्ठे रहना पसंद करते हैं. वी ऑल लाइक टू लिव इन ए ग्रुप. वी हम सब लोग एक ग्रुप में रहना चाहते हैं. एज किरण हर ब्रदर एंड हर पेरेंट्स लिव इन वन हाउस. जैसे किरण उसके मम्मी पापा और उसके भाई इकट्ठे एक घर में ही रहते हैं. This is a family. आप पिक्चर देखो, यह एक फैमिली है जिस मम्मी पापा भैन भाई सारे बैठे हैं. This is किरण's family. Members of a family live in a cooperation. सारे फैमिली के मैंबर हैं, रल मिल के रहते हैं. Let us introduce some families. आओ कुछ फैमिलियाँ नाल आपां मिलिए. First है किरण's family. In किरण's family there are 4 members. किरण की फैमिली विच 4 मैंबर हैं. हर फादर मदर हर यंगर ब्रदर उसका छोटा भाई किरण उसके मम्मी पापा तो उसका छोटा भाई ये 4 जने एक फैमिली विच रहते हैं. हर फादर इज ए बैंक एम्पलाई मतलब उसके पापा एक बैंक विच काम करते हैं. वेयर एज हर मदर इज ए टीचर जिथे उसकी मम्मी एक स्कूल विच पढ़ाते हैं. 2 years ago 2 साल पहला दे लिव्ड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन देयर हाउस. वो अपने घर पुराने घर में अपने दादा दादी नाल रहिंदे सी, ग्रैंड पेरेंट्स नाल रहिंदे सी दादा दादी नाल. बट एज हर फादर गोट ए जॉब इन ए द सिटी. पर जदों उसके दादा पापा नूं बैंक विच एक नौकरी मिल गई. हर फैमिली हैज़ टू शिफ्ट हेयर इन द सिटी. उसके फैमिली सारी एक शहर विच शिफ्ट हो गई, रहन लग गई अवे फ्रॉम हर ग्रैंड पेरेंट्स. अपने दादा दादी जी तो दूर उसकी फैमिली एक शहर विच रहन लग पई. हुण आ गई कुलदीप्स फैमिली. कुलदीप्स हाउस इज़ वेरी बिग. कुलदीप का घर बहुत वड्डा है. हिज फादर अवतार सिंह इज़ ए फार्मर एंड वर्क्स इन. उसके पापा एक किसान हैं जो कि फील्ड्स मीन्स खेतों विच कम करते हैं. हिज अंकल जगतार आलसो हैल्प्स हिज फादर इन फील्ड. उसके चाचा जी जेड़े जिसका नाम जगतार सिंह है वह भी खेतों में उन्हों की मदद करते हैं. हिज मदर नसीब कौर लुक्स आफ्टर द कैटल इन द हाउस. उसकी मम्मा नसीब कौर जिसका नाम कि नसीब कौर हैं वह घर में जानवरों की पशुओं की देखभाल करते हैं. हिज मदर मिल्क्स द बफेलो. उसकी मम्मा गाँव दुध निकाल कटते हैं, मझां का दुध निकालते हैं. हिज आंट कुक्स फूड इन द कि उसकी आंटी जी रसोई विच खाना बनाते हैं. हिज कज़न मीनस जेड़ा चाचा चाची के लड़का दाद मामा मामी के लड़के उन्होंने कज़न कहा जाता है. हिज कज़न मनदीप आलसो लिव विद देम. उसके कज़न भी उन्हां नाल ही रहिंदा है. इन द इवनिंग वैन फूड इज कुक्ड हिज ग्रैंड मदर सर्व्स फूड टू ऑल द फैमिली. जदों शाम नूं खाना तैयार हो जाता खाना बनाते हैं तो उसकी दादी मम्मा सब नूं खाना परोसते हैं देंदे हैं. यस्टरडे इवनिंग वैन ग्रैंड मदर वाज सर्विंग फूड. कल जदों शाम नूं दादी जी खाना सर्व कर रहे सन कुलदीप हु वाज प्लेइंग आउटसाइड केम इन एंड डायरेक्टली सैट इन फ्रंट ऑफ फूड. कुलदीप बाहर जे खेड रहा सी वो सीधा आया तो खाना खान बैठ गया. पुशिंग असाइड हिज प्लेट ग्रैंड मदर सैड उसकी दादी जी ने कहा वॉश योर हैंड्स फर्स्ट. सब तो पहला खाना खाने तो पहले हाथ तो बाहर देयर आर जर्म्स इन डर्टी हैंड्स ओन डर्टी हैंड्स. बाहर तुसी खेड के आए हो तो बाहर हाथ गंदे हो जाते उन्होंने जर्म्स लग जाने पहला आके बाहरों हाथ धो विच मेक अ सिक. जेडे गंदे हाथ नाल जे आप खाना खावे तो आपां नूं बीमार कर सकते हैं. वी कैन
ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਫਰੀ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਏ ਕੀਪਿੰਗ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਅਸ ਲਰਨ ਅ ਫਿਊ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ। ਇਹ ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਡੋਂਟ ਡਿਫੈਕਟ ਇਨ ਓਪਨ ਯੂਜ ਟੋਇਲਟਸ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੋਇਲਟ ਯੂਜ ਕਰੋ ਬਾਥਰੂਮ ਲਈ। ਬਰੱਸ਼ ਯੂਅਰ ਟੀਥ ਡੇਲੀ, ਬਰੱਸ਼ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟੇਕ ਬਾਥ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਰੋਜ਼ ਨਹਾਓ। ਵੀਅਰ ਕਲੀਨ ਕਲੋਥ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਪੇਅਰ ਦਾ ਨੇਲਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਅਗੇਨ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਫੋਰ ਮੀਲਸ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੀਅਰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸ਼ ਸ਼ੂਜ਼। ਸਕੂਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਯੂਨੀਫੋਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟਸ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਣੀ ਹਨ। ਨੰਬਰਿੰਗ ਡਾਲ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਇਸ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਮਦਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਫਾਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਮਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੰਮੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੰਮੀ ਲੀਵਸ ਵਿਦ ਹਰ ਮੈਟਰਨਲ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਮੈਟਰਨਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਟਰਨਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰਨਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਟਰਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਮੀ ਲੀਵਸ ਵਿਦ ਹਰ ਮੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਪੰਮੀ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰਨਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੈਟਰਨਲ ਅੰਕਲ ਐਂਡ ਆਂਟ ਆਲਸੋ ਲੀਵ ਦੇ ਦੇਅਰ ਉਹਦੇ ਮੈਟਰਨਲ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਮੀਨਸ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਨ ਡੇ ਪੰਮੀ ਫੌਂਡ ਏ ਫਿਊ ਡੋਲਸ ਇਨ ਏ ਟਰੰਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਮਿਲੀ। ਹਰ ਨਾਨੀ ਟੋਲਡ ਹਰ ਦੈਟ ਵੈਨ ਪੰਮੀਜ਼ ਮਦਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਚਾਈਲਡ, ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੋਸ ਡੋਲਸ। ਉਸ ਦੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਮੀ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੁੜੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਪੰਮੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਹਰ ਮਦਰ ਵਾਜ ਸੋ ਯੰਗ। ਵੰਸ ਅਪੋਨ ਏ ਟਾਈਮ ਪੰਮੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੀਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਪੰਮੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦੈਟ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਹਰ ਮਦਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਦਿਸ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਪੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਮੰਮੀ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ੀ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਹਰ ਫਾਦਰਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸਦੇ ਪੰਮੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੈ ਰਾਣੀਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ। ਰਾਣੀਜ਼ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਏ ਲੇਬਰਰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਹੈਜ਼ ਥ੍ਰੀ ਸਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਟੂ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਹਿਣਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਈ ਹਨ। ਵੈਨ ਹਰ ਮਦਰ ਡਜ਼ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਰਕ, ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਆਫਟਰ ਹਰ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੰਮਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਣੀ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਬਟ ਹਰ ਫਾਦਰ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਅਫੋਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਆਲ ਹਰ ਹਿਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ। ਰਾਣੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਨ ਦੀਪੂ ਗੋਟ ਇੰਜਰਡ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਯੂਅਰ ਹੋਮ। ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੈਸਟਰਡੇ
वैन दीपू एक कल जदों दीपू वैन टू हिज होम अपने घर वापस जा रहा है स्कूल तो घर वापस जा रहा है हिज मदर गेव हिम फूड टू ईट उसकी मम्मा ने उसनू खाना खाने लिए दिता सी आफ्टर ईटिंग फूड दीपू वैन टू प्ले ओह खेलन चला गया खाना खा के वाइल प्लेइंग दीपू फैल एंड गोट ब्रशेज ऑन हिज नी उसके घुटने इसते घुटने ते चोट लग गई खेलते समय वैन मदर अप्लाइड मेडिसन ऑन हिज नी उसकी मम्मा ने उसकी उस घुटने ते दवाई मेडिसन मीन्स दवाई लगाई दीपूज पेन डिक्रीज हिज फादर डिक्रीज मीन्स घटना उसकी उसके नाल दवाई लगाने नाल दर्द घट गया हिज फादर एडवाइज हिम नॉट टू प्ले विद एल्डर चिल्ड्रन उसके पापा ने उसनू समझाया कि बड़े बच्चों नाल खेलना नहीं चाहिदा शरन्स बिकम ए गुड बॉय शरन्स मदर कीप हर हाउस नीट एंड क्लीन शरन की मम्मा अपना घर साफ सुथरा रखते हैं हिज एल्डर सिस्टर आलसो कीप्स एवरीथिंग इन ऑर्डर उसकी मम्मा उसकी बड़ी सिस्टर हरेक चीज़ जिमें जो चीज़ जितों समान जितों चकती है उत्ते उठा के उसी जगह पर रखती है बट शरन मेक्स मैस ऑफ थिंग्स ही थ्रोज हिज क्लोज इन ऑन बैड एंड शूज इन द कोर्टयार्ड ओहो अपना लेकिन शरण जेड़ा है उसकी सिस्टर बड़े सिस्टमैटिकल काम करती है ध्यान नाल समान रखती है लेकिन शरण अपना समान इधर उधर कपड़े बैड ते किते शूज इधर उधर रख देंदा है आफ्टर डूइंग होमवर्क ही थ्रो हिज नोटबुक्स हेयर एंड देयर ओहो अपना घर का न स्कूल का काम करके भी अपनी बुक्स इधर उधर नोटबुक्स सीट देंदा है ही डज नॉट फाइंड हिज थिंग इन द मॉर्निंग फिर जो स्कूल जाता है तो उसनों अपनी स्कूल दीज़ा लभदी मिलती नहीं ही इज़ ऑलवेज स्कोल्डिड वाइल हिज सिस्टर रिसीव एप्रीशिएशन फ्रॉम एवरी वन उसनों बड़ा गुस्सा लगता जो सारे उसकी सिस्टर एप्रीशिएट करते हैं कि उसकी वह हर एक चीज़ प्रोपर थान पर रखती है तो उसनों उस चीज़ का गुस्सा लगता है शरन यूजली गैट्स अनॉयड वह गुस्से हो जाता ड्यू टू दिस एंड बिकम सैड और उदास हो जाता है हिज मदर एडवाइज हिम टू कीप हिज बिलोंगिंग एट प्रोपर प्लेस उसकी मम्मा उसनू समझाते हैं कि बेटा अपनी जो भी समान है अपना ठीक जगह पर रखो जिमें तुम स्कूल तो आने हो अपना यूनिफॉर्म निकालो स्थान ठीक जिथे रखते हैं गंदी कपड़े रखते उत्थे रखो बैग ढंग नाल रखो ते अपने शूज़ रैक्स रखो उसकी मम्मा उसनू समझाते हैं नाउ शरण हैज़ प्रोमिस टू कीप थिंग्स एट प्रोपर हूँ शरण ने अपनी मम्मा नाल प्रोमिस किया कि वह अपनी चीज़ प्रोपर जगह पर रखेगा ही इज़ लर्निंग अदर गुड थिंग्स ऑलसो ओह ही हैज़ बीन ओबजरविंग द फॉर द टू ला फ्यू डेज दैट वैन फादर रिटर्न्स होम ही टचिज हिज ग्रैंड मदरस फीड दो दिन तो वह ध्यान नाल देख रहा है कि जदों पापा वापिस आते घर काम तो वापिस आते हैं तो वह उसकी ग्रैंड मदर के पैर छूंदे हैं नाओ शरण ऑलसो पेज रिस्पैक्ट टू हिज ग्रैंड मदर बाय टचिंग हर फीट वह शरण भी अपनी दादी मम्मा रिस्पैक्ट देन लगे वह भी उन्होंने पैर छून लगे सो ही इज़ लव्ड बाय सारे उसनू प्यार करन लगे जे अपन बड़िया के पैर छूवे तो बड़े सानू भी प्यार करनगे शरण सिस्टर सिंग्स वेरी स्वीटली शरण की सिस्टर जी बड़ा सोहना गीत गाँदी गाना गाँदी है हर मदर टीचिज हर टू प्ले हारमोनीयम उसकी मम्मा ने उसनू हारमोनीयम बजाना सिखाया शी रिसीव्ड ए बिग एप्लॉज़ वैन शी सेंग ए पेट्रियोटिक सोंग एट द एनुअल फंक्शन ऑफ हर स्कूल उसकी सिस्टर ने एनुअल फंक्शन पर देशभगति का गीत भी गाया शी ऑलसो रिसीव्ड ए प्राइज फॉर फ्रॉम हर प्रिंसीपल उसने सिस्टर ने उसने प्रिंसीपल तो एक इनाम भी मिले
डियर चिल्ड्रन। अच्छा होर इलेवन, हूँ अगे क्वेश्चन है, हूम डज यूर फेस रिजेंबल विद इन योर फैमिली। इतने तुम्हें लिखना है थोड़ा फेस किस नाल मिलता है, थोड़ी फैमिली किस नाल रिजेंबल करता है, थोड़ी शक्ल किस नाल मिलती है, ये फैमिली स्ट्रक्चर है। थिंग्स टू रिमेंबर, ये अगे फिलअप्स है, फर्स्ट फिलअप्स मैं फिल कर दी हाँ। देयर आर डैश ओन डर्टी हैंड्स, फर्स्ट वाला है जर्म्स, GERMS जर्म्स, देयर आर जर्म्स ऑन डर्टी हैंड्स। सेकेंड है आफ्टर बेबीज बर्थ द मेंबर ऑफ द फैमिली द मेंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इंक्रीजेज, INCREASES मीन्स इनक्रीजिज, मैंबर बढ़ जाते हैं। उस तो बाद है थर्ड वाला, आफ्टर यूज द थिंग्स मस्ट बी कैप्ट एट देयर प्रोपर प्लेस, PROPER प्रोपर प्लेस, PLACE प्रोपर प्लेस, थर्ड फिलप्स। फोर्थ है किरण हैज ए स्मॉल SMALL स्मॉल फैमिली, फोर्थ फिलप्स स्मॉल। फिफ्थ है योर मदर इज़ द डॉटर ऑफ योर नाना नानी, योर मदर इज़ द डॉटर ऑफ योर नाना नानी, NANA नाना NANI नानी। आगे है मैच इट, मदर फादर मामा मीन्स मैटरनल अंकल, मामी मैटरनल आंट, बुआ फुफड़, एल्डर अंकल एल्डर आंट, मासी मासर, ये मैचिंग हो गया। उस तो बाद है टिक द राइट ऑप्शन, व्हाट इज़ योर ग्रैंडफादर्स फादर टू यू, ग्रैंडफादर दे फादर थोड़े की लगनगे, इस दा है सेकंड ऑप्शन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, इस ते टिक लगा दो, टिक द राइट ऑप्शन सेकंड वाला ग्रेट ग्रैंडफादर, इस ते तुसी टिक लगाना है। नेक्स्ट है बी वाला, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ योर ग्रैंड मदर विद योर मदर, थोड़ी मम्मी दा थोड़ी दादी नाल की रिलेशन है, इस दा आंसर है मदर इन लॉ, थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर लगा दो, इसते मदर इन लॉ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ योर फादर सिस्टर विद यू, पापा दी भैन नाल थोड़ा की रिश्ता है की रिलेशन है, बुआ BHUA बुआ ते ऑप्शन टिक कर दो। व्हाट इज़ योर मदर सिस्टर टू यू, मम्मी दी भैन थोड़ी की लगते हैं, मासी जी MASSI, इस ऑप्शन नू तुसी टिक कर दो। यह लैसन कंप्लीट है, इत्थे थोड़ा पूरा लैसन हो गया, इस विच तुसी पहला ए वाला काम करना है, सब तो फर्स्ट इफ ए लर्न एंड राइट फ्यू गुड हैबिट्स लिखनी है, सुंदर सुंदर 8 गुड हैबिट्स दिती हुई है, तुसी ए लिखनी है। उस तो बाद ये एक्टिविटी है, तुसी अपनी फैमिली मेंबर्स दे नाम और रिलेशन लिखने हैं। उस तो बाद है थोने ए वाले फिलअप्स करने हैं, फिल इन द लेसन लिख के नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स ये मैं फिल करते दसते थोनू, मैचिंग उस तो बाद टिक द राइट ऑप्शन। ये लैसन थोड़ा कंप्लीट है, ये तुसी मैनू कल चेक कराना है। ओके थैंक यू।